आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु। इसके पहले हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पे वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं शंकु होता क्या है। शंकु इस प्रकार के सामान को शंकु कहते हो, जैसे एक जो जोकर की टोपी होती है शंकु आकार होती है, आप जो कुल्फी खाते हो इस प्रकार के क्यूब में शंकु होती है, आपका जो पेंसिल जहां पे छीला जाता है उसका जो एकदम टॉप वाला पॉइंट होता है वो भी एक प्रकार का शंकु है, जो तेल डालने के लिए कीप यूज किया जाता है वो भी एक प्रकार का शंकु है। तो हम ना आज जो भी कुछ पढ़ेंगे वो शंकु के विषय में पढ़ेंगे, जिस प्रकार से पीछे के सारे वीडियोस में हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर एक चीज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देख रहे हैं। वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द CSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करो तो ये होता है पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की आप बात करो तो ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु के आयतन की यदि आप बात करो तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये सारी चीजें होती तो जरूर है, लेकिन कहां से आता है ये सारी चीजें, इन चीजों को ध्यान से देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों वॉल्यूम समझने से पहले या पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो L है, H है, R है वो क्या होता है, आया कहां से। यदि आप शंकु की बात करते हैं तो ये जो शंकु है इसकी जो टेढ़ी वाली हाइट है, ये जो टेढ़ी वाली ऊंचाई है इसको कहते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, ये तिरछी वाली ऊंचाई। यदि इसी शंकु का एकदम यदि टॉप से बॉटम में 90 डिग्री आ जाए वो हो जाएगा इसका हाइट, और ये जिस सर्कल का पार्ट है इसका बेस तो एक सर्कल है ना, तो ये जो सर्कल का रेडियस होगा वो इसका हो जाएगा आर। चलिए देखते हैं इसमें क्या समानता है। आप लोग मेरे ख्याल से ट्रायंगल, खास करके जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आप पढ़ चुके होंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण, लंब और आधार। यदि आप ध्यान से देखें तो जो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का जो रिलेशन है वही इसका भी तो रिलेशन है। यदि एक रेडियस, ये जो रेडियस है और हाइट एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और यदि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, स्लेंट है इसके ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली इसको आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, जो हाइपोटेनियस था उसके जगह पे एल आ जाएगा स्लेंट हाइट, जो परपेंडिकुलर था उसके जगह पे हाइट आ जाएगा जिसको कहेंगे ऊंचाई, और जो बेस था इसके जगह पे यहाँ आर आ जाएगा। तो इस शंकु में भी आप तिरक ऊंचाई के लिए एक फॉर्मूला देखते हो कि पहले क्या फॉर्मूला होता था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच निकालना होता था तो रूट अंडर कर देते थे। सेम यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करेंगे। एल बराबर क्या हो जाएगा, तो एल बराबर सिंपल यूज कर सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि h बराबर हमने ये लिखा है तो ऊंचाई के लिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊंचाई, यदि मुझे ऊंचाई निकालनी ऊंचाई h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अरे h बराबर भी तो वही होगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के जैसे। और यदि त्रिज्या निकालनी है मुझे, रेडियस लिखना है, तो रेडियस बराबर भी क्या होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये एक ट्रायंगल के फॉर्मूले का जो बेसिक है वो चीज है। इसके बाद में ही हम लोग देख रहे थे कि इसका जो CSA होता है वो क्या है, तो CSA मैंने अभी आपको बताया पाई आर एल। लेकिन पाई आर एल आया कहां से, रटना थोड़ी ना है, समझना है। तो देखते हैं कि ये पाई आर एल आया कहां से। चलो पहले इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप इसको। यदि हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि मुड़ा हुआ है, ध्यान से रखो मैंने क्या दिया, सपाट फिगर होगा तो एल ए से, मुड़ा हुआ होगा तो सी ए से। यदि ये मुड़ा हुआ है तो मुझे यदि कर्व सरफेस एरिया देखना तो इसी को तो देखना होगा, और तो कुछ देखना नहीं होगा, यही तो चीज मुझे देखनी है। अब ध्यान से देखो ये शंकु बना कहां से। यदि एक पेपर के टुकड़े को इस प्रकार से मोड़ा जाए, देखो ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हो शंकु ही, ठीक है, जिसमें नॉर्मली आप क्या देख सकते हो कि ये जो है वो चारों तरफ से मुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा आप इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में इसी का तो एरिया आएगा चारों तरफ का, और थोड़ी ना कुछ आने वाला है। ध्यान से देखेंगे क्या दिखेगा कि सर ये वाली जो है वो इसकी एल है, देखो मैंने एल लिखा हुआ भी है, ये जो टेढ़ी वाली हाइट है ये क्या है इसकी, ये इसकी एल है।
और जो बेस है तो बेस एक सर्कल है, तो यदि मैं यहां तक इसे एकदम बॉटम वाले की इसकी लेंथ को देखूं, इस गोल वाले की लेंथ देखूं, तो यदि ये सर्कल है, बेस इसका सर्कल है, तो इस वाले लाइन की लंबाई क्या होगी, तो डेफिनेटली इसका 2πr हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल का ही तो सर्कमफेरेंस होगा 2πr। एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको खोल देते हैं, जरा सा हम क्या करते हैं इसको खोलते हैं। देखो मैंने ना इसको पीछे से, मान लो पीछे से मैंने कट करके इसको खोला, ये देखो मैंने खोला। अब जैसे ही मैंने खोला तो ये एक सर्कल का ही सेक्टर बना, एक सर्कल का ही सेक्टर बन गया। जिस सर्कल का भी सेक्टर बना, अभी सर्कल को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये किस सर्कल का सेक्टर बना, वैसा सर्कल का सेक्टर, इसकी जो स्लैंट हाइट थी वो उस सर्कल का त्रिज्या था, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो त्रिज्या था एल, वो इस वाले के लिए स्लैंट हाइट होगा। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 2πr, क्योंकि अभी मैंने तो आपके सामने बताया कि ये शंकु था, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, और यही 2πr का वैल्यू तो यहां से यहां तक है। अब जरा देखते हैं कि मुझे यदि इसका पूरे का पूरा एरिया चाहिए, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अब देखते हैं इसका एरिया निकलेगा क्या। सबसे पहले तुम हम लोग को ये देखना चाहिए कि ये एरिया है क्या, तो बोले सर ये जो भी एरिया है एल त्रिज्या वाले सर्कल का एक त्रिज्यखंड है, इट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस एल, तो पाई एल स्क्वायर हो जाएगा ये पूरे वाले सर्कल का, ये पूरे वाले सर्कल का। लेकिन मुझे पूरे से तो मतलब है नहीं, मुझे मतलब कितने से है, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से, इससे इसको देखना है। तो एक बात बताओ, एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि इसको यदि लॉजिकली समझा जाए तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ये पूरे वाले का जो भी एरिया होगा, मुझे देखना है कि इस सर्कल का यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का। अरे नॉर्मल सी बात है कि इस सर्कल की परिधि का जितना हिस्सा ये होगा, जितना फ्रैक्शन वैल्यू इसका होगा, वही तो इसके एरिया का भी फ्रैक्शन वैल्यू होगा। तो इस सर्कल का यहां से यहां तक का लेंथ मान लेते हैं कि इस पूरे सर्कल का रेडियस मान लो 10 है, और यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो कितनी है, 2 है। तो इस पूरे सर्कल के एरिया के मुकाबले इसका एरिया 2/10 हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू तो वही ना होगी। इसी प्रकार से मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो कि यदि इस पूरे वाले का वैल्यू पाई एल स्क्वायर है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था उस टाइम में, 2πr। लेकिन इस पूरे वाले सर्कल की रेडियस, पूरे वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी, तो पूरे वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी 2πl। कितनी होगी, 2πl। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मैंने देखा कि इसके ये वाला जो सर्कमफेरेंस है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के मुकाबले में, तो ये इतना बटा इतना पार्ट है, तो इतना बटे इतना पार्ट को ही इसके पूरे एरिया से कवर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो 2πl से 2πl कट गया, 1l से 1l यहां कट गया, क्या बचा, पाई एल, और उधर से आर, इसी को तो एडजस्ट करके ले दिया गया है पाई आर एल, और ये होता है एक सर्कल का, एक शंकु का सी एस ए। ध्यान देंगे इसी में हम लोग टीएसए को कैसे प्रूव करेंगे, तो टीएसए को प्रूव करने में थोड़ा ना कोई मंत्र लगेगा, टीएसए तो और भी आसान है। टीएसए टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही तो होता है। कहां से आया, ध्यान से देखो, अरे कुछ भी तो नहीं है, जिस मान लो ये शंकु मेरा, तो इस शंकु का यदि मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कोण, क्या देखूंगा मैं, व्हाट विल आई सी, आई विल जस्ट सी कि इसका एरिया कितना है ऊपर वाले का, और नीचे में एक सर्कल है, तो इस बेस का एरिया क्या होगा। तो बाबू इस चारों तरफ का एरिया अभी तो आपके सामने मैंने प्रूव किया पाई आर एल, वो क्या है पाई आर, नीचे बेस एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, यदि रेडियस आर है तो डेफिनेटली पाई आर स्क्वायर, तो इसके चारों तरफ का एरिया पाई आर एल और बेस के एरिया पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, क्या टोटल सर्फेस एरिया आएगा, नहीं बिल्कुल आएगा। देखो क्या कॉमन है, पाई आर का पाई आर कॉमन आ गया, इधर का एल बच गया, 2r में 1r बाहर, 1r बच गया, क्या ये नहीं है शंकु का टोटल सर्फेस का एरिया, है कि नहीं। तो यहां तक तो हमने देख लिया सीएसए भी हो गया और टीएसए भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका वॉल्यूम, ठीक। तो देखो अब ना हम लोग बात करते हैं इसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम तो वैसे अलग तरीके से प्रूव होगा, लेकिन अप टू 10 लेवल तक की बात यदि मैं कह रहा हूं तो एजम्पशन मेथड यूज करो, काम हो जाएगा। एज्यूम कैसे करेंगे, देखो करना क्या है, आपने ना एक शंकु लेना है,
जिस रेडियस का शंकु होगा उसी रेडियस का बेलन भी होगा. द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन विल बी सेम एंड एज वेल एज द हाइट. रेडियस भी सेम, हाइट भी सेम, शंकु का भी बेलन का भी. प्रूव कैसे करेंगे? जब आप मान लो इसमें कुछ लिक्विड डाले, पानी डाल दिया, इसमें से पानी डाल के मैंने इसमें से उधेड़ दिया, इसमें से इसको पलट दिया, तो जब एक बार पानी इसमें उधेड़ हो गया ना, तो इसका 1/3 पार्ट भरेगा. फिर पानी डालो, फिर उधेड़ो, इसमें 2/3 पार्ट भरेगा. फिर पानी डालो, फिर उधेड़ो, इसमें पूरा भर जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि सर यदि इसकी कैपेसिटी 3 रुपए की है तो इसकी कैपेसिटी 1 रुपए की होगी. यदि ये 3 रुपए का है तो ये 1 रुपए का होगा. मतलब इसका तिगुना वॉल्यूम इसका है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका 1/3 होगा. और बेलन का वॉल्यूम याद करो, पिछले वाले मैंने प्रूव किया है, क्या बताया था कि बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. और इसका कितना पार्ट है वो? तो इसका 1/3 पार्ट है. तो इसीलिए शंकु का वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में.